अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर वी आर्ट क्लास। तो मैं आज आप लोगों को स्टिल लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। और स्टिल लाइफ बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि जो कि आपके बी एफ है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये बोर्ड। इसके बाद आते हैं पेपर पे। तो पेपर मैंने ये कुछ खुद के लेकर आया है, ऑफ वाइट कार्ट्रेज पेपर, और इसे मैंने आधे मोड़ करके काट लिया है। ये पेपर इस वाले बोर्ड पे आराम से फिट आ जाएगा। हाँ, उसके बाद आपको इस तरह का पेंसिल की जरूरत पड़ेगा। मेरे पास तीन पेंसिल है, टू बी हो गया, 4B और 6B, ठीक है। एक कटर और थोड़ा बहुत जरूरत पड़े तो रेजर, इसका ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है। स्टिल लाइफ बनाने के लिए इससे ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ कि कई स्टूडेंट लोग को अक्सर देखा गया कि बोर्ड ना ऐसे सटा के पकड़ लेता है, ठीक है, और वो जब बनाता है तो उसे अपनी गलती ही दिखाई नहीं देता है कि क्या गलत कर रहा है। तो आप थोड़ा सा बोर्ड को दूर पकड़े और ये घुटने में रखें, ठीक है, ये घुटने में ना इसको रखें ऐसे, और हाथ को सीधा रखें, ठीक है। इससे क्या है कि आपका बोर्ड ना अपने आप बहुत काफ़ी दूर चला जाएगा आपसे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप जब बना रहे तो आप अपनी गलती को आराम से देख पाएंगे, और ठीक है, और कई बार होता है कि जब अगर सर्कल घुमाना हो तो आराम से घुमा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम हॉल में ना अक्सर देखा गया कि बच्चे लोग ना ऐसे करके नाप के, ठीक है, ऐसे नाप के काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर देता है। तो इससे बचने के लिए मैं आज कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, जिससे कि आप आसानी से पेपर पे स्टिल लाइफ को कंपोज कर सकें। ये जो सारा सामान सामने रखा हुआ है, इसे पेपर पे अच्छे से कंपोज करने के लिए हमें ज़रूरी है कि सारे सामान को एक साथ देखें और ये देखते हैं कि किस शेप में दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं तीन स्पॉन्ज रखता हूँ, सबसे आगे वाला ये हो गया, दूसरे नंबर पीछे वाला ये हो गया, और टॉप पे ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे तीनों जगह पे मैं बिंदु डाल करके देखता हूँ, तो ये मुझे ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे ट्रायंगल में इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो अलग अलग जगह से आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देगा, तो इसे आप समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही दिखाई दे, ठीक है, तो अलग अलग एरिया से कैसे दिखाई देता है ये देखें। अंदर की पॉइंट से हमें ऐसे दिखाई दे रहा है और बाहर की लाइन से ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें अंदर की पॉइंट से हमें ये दिखाई दे रहा है, फिर बाहर से जब देखते हैं तो ऐसे दिखाई दे रहा है। स्टिल लाइफ को जब हम आगे से देखते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखाई देता है, तो इसे हम लोग मार्क करके देख लेते हैं। उसके बाद उसमें लाइन्स खींच के, तो कुछ इस तरह से लाइन खींचेंगे, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे और पेपर पर आउटलाइन बाहर से बना लेंगे पहले रफली। सबसे पहले ना इसमें कंपोज कैसे करना है, ठीक है। सबसे कम पार्ट में दिखाई देगा तो वो मैं पहले नंबर पे कर दूँ, सबसे कम आपको ये दिखाई देगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये वाला जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसके पीछे वाला हिस्सा, ये माइनस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला कम दिखाई देगा, और सबसे ज़्यादा पार्ट ऊपर वाला खाली होता है, ये स्पेस ज़्यादा दिखता है, ये कम दिखता है। और इधर से देखें तो सबसे कम हमें इधर वाला पार्ट दिखेगा। तो इसमें अब हमें क्या, इसके अंदर हमें काम करना है ना, इसके अंदर काम करना है। तो ऐसी कंडीशन में इसका वो पॉइंट देख रहे हैं, एक यहाँ जा रहा था, दूसरा यहाँ पे आ रहा था, और तीसरा ना ये ऊपर जा रहा था, ऐसे करके ऐसे ऊपर जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, अब ना इससे ना हमें अंदाज़ा मिल जाता है कि आखिर में ये हमारा बर्तन कितना बड़ा है, ठीक है। ये छोटा सा वो दूध का कैन है वो कितना बड़ा होगा, ठीक है, और ये कितना आगे बढ़ेगा। तो ऐसा करते हुए आप इसे ना बाहर आउटलाइन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाला यहाँ पे आपका आ गया, थाली आ गया, ठीक है, फिर ऐसे आ रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, फिर ये अंदर से गोल ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये बाहर से यहाँ पे ऐसे निकला हुआ है ना ये चीज़, ठीक है, ये है ना। फिर यहाँ पे आपका आयरन वगैरह बन जाएगा, ये वाला हिस्सा ऐसे बनेगा, ठीक है। ये एक रफ ले लिए। अब ये क्या है कि हमें आराम से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कौन सा चीज़ कितना बड़ा बनना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा लगे तो उसे ठीक कर लेंगे। तो ऐसे करते हैं, मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये वाला हिस्सा ये मुझे बड़ा लग रहा है, तो क्यों ना इसे ठीक कर ले, पहले इसे बनाते हैं। तो एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और वहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, ये से बन गया। अब जो इसमें जो सही लाइन होगा उस पर ऐसे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही घूम जाएगा, है ना। हमें इसके पीछे वाला लाइन का ज़रूरत नहीं है तो उसे नहीं करते, ठीक है। फिर दूसरी लाइन है, इसके नीचे बन रहा है ऐसे करके, तो वहाँ पे ऐसे सर्कल घुमा लेते हैं ऐसे करके।
सर्कल की आप लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर ले, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि सर्कल की प्रैक्टिस करना चाहिए इस तरह से, ठीक है। बोर्ड कैसे घुमा करके अब हम लोग ये ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे पड़ रहे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो बाकी बन जाएगा वो बर्तन। हाँ, अब क्या है, यहाँ पे एक सर्कल और बनेगा ना, ये सर्कल, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ से घुमा करके ऐसे लाइन खींच लेते हैं, फिर दूसरा सर्कल यहाँ पे बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये है ना। अब क्या हो रहा है, हमें इसकी गर्दन बनाना ना, इसकी गर्दन हमें, इसका सेंटर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये चीज़ थोड़ा सा और अंदर जाना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ से ये अंदर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा ना इसे, ठीक है। अब इस जगह पे हम लोग फिर से सर्कल घुमा लेते हैं इस करके, ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर में, चाहे तो थोड़ा नीचे भी कर सकते इसको, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा दिख रहा है दूध का कैन, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे भी ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है, अब हमें क्या है कि इसके बाहर से हमें एक लाइन दिखा दे रहा है ऐसे करके, फिर इसके सामने से हमें यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है, दोबारा एक सर्कल, फिर यहाँ, फिर इससे यहाँ पे एक सर्कल हो रहा है ना, तो इसके लिए एक सर्कल घुमा लिए फिर से, ठीक है, फिर ये वाला आ गया, इससे आपके फिर से दोबारा यहाँ पे सर्कल घुमा लेते हैं, ये ज़्यादा होगा, ठीक है, ये बन गया। इस जगह पे पेपर रखा हुआ ना, तो पेपर की ड्राइंग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। हाँ, अब क्या, हमें यहाँ पे इस, ये एक थाली रखा हो जो कि हमें ऐसे तिरछा दिखा दे रहा है ना, ऐसे तिरछा, ये ऐसे गोल बन रहा है ना ऐसे सर्कल में, थोड़ा सा कम बन रहा है ना ये ऐसे, ठीक है, अब अगर दिक्कत आ रहा है तो इसे फिर वापस मोड़ करके हम लोग उल्टा ऐसे लाइन घुमा लेते ना, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि ये अंदर जाने के बाद ना वापस फिर ये अंदर गया, तो एक लाइन और इसमें हो रहा है और छोटा हो रहा है ना ये वाला ऐसे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में दूसरा लाइन हमें यहाँ से दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे दिखा देगा, ठीक है। हमें इसकी मोटाई यहाँ पे थोड़ा सा, ये लास्ट में मोटा हो रहा है वो दिखाना पड़ेगा, ये 4B पेंसिल से, मैं ये काम 4B पेंसिल से कर रहा हूँ, 2B से मैं करता तो वीडियो में दिखाई नहीं देता, तो आप चाहे तो 2B से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पे जो आयरन रखा हुआ है वो हमें बनाना है ना, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है,
ठीक है, तो यहाँ क्लाइंट ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से अंदर जा रहा है ऐसे करके, ठीक है ऐसे, है ना, यहाँ पे वापस ये ऐसे फूल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये हमें यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ठीक है ये ऐसे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ऐसे जा रहा है ये चीज़, ठीक है। बाकी जो बेकार का लाइन है अगर हो सके तो थोड़ा सा इरेज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, और इसी में फिनिशिंग डाल लेते हैं पहले अच्छे से, तो ऐसे करके, तो इस तरह से आप पेपर पे आसानी से इसे कंपोज कर सकते हैं, और इसमें आपका टाइम भी काफ़ी बच जाता है। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका काम बहुत अच्छा होने के बाद भी वो अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाता। इसका फर्स्ट रीज़न यही होता है कि वो ड्राइंग करने में ही ज़्यादा टाइम लगा देता है, जिसके कारण उसका बाकी काम बच जाता है, जैसे शेडिंग वगैरह हो गया वो बच जाता है और कंप्लीट नहीं कर पाता है। आज का वीडियो में मैंने सिर्फ ड्राइंग के बारे में बताया है, ठीक है, अगर किसी को शेडिंग्स सीखना हो और समझना हो तो वो मेरे दूसरे वीडियो पर जाकर देख सकता है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना कर डाला हूँ, ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, ठीक है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर लें। और आगे मैं और भी शेडिंग्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे कि आपको शेडिंग्स के बारे में सीखने में काफ़ी आसानी होगी। इस चैनल पे आपको BFA के बारे में हर जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, कंपोजिशन कैसे बनाते हैं, स्टिल लाइफ कैसे बनाते हैं, GK वगैरह हो गया और कलर वगैरह हो गया, है ना, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इनका फ़ायदा हो। अगर किसी को BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कुछ पूछना हो तो वो कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकता है, मैं बता दूंगा, ठीक है, और अगर किसी को ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो भी वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जा करके मेरा नंबर ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ ह्यूमन फिगर पे वाटर कलर कैसे करते हैं, ठीक है, कईयों को प्रॉब्लम होता है कि ढंग से वो ह्यूमन फिगर्स में वाटर कलर ही नहीं कर पाता है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार और दमदार होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।